तो गाइज ये जो न्यूज है वो है उर्फी जावेद के बारे में। तो उर्फी जावेद को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया राज कुंद्रा के ऊपर, क्योंकि राज कुंद्रा का अभी हाल ही में एक स्टैंड अप कॉमेडी वाला वीडियो आया था जहाँ पे उन्होंने उर्फी जावेद के कपड़ों के ऊपर कॉमेंट किया है। किसी ने ब्याह दिया ना पिछले 2 साल में, वो है पापराजी। क्योंकि दोनों तो इनके स्टार है, एक मैं और उर्फी जावेद। कॉमेडी यही देखती है कि राज कुंद्रा क्या पहनेगा और उर्फी जावेद क्या नहीं पहनेगा। तो ये वीडियो देखने के बाद उर्फी जावेद को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो ये वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा कि दूसरों को नंगा करके पैसे कमाने वाला अब मेरे कपड़ों के ऊपर कमेंट करेगा, सॉरी नॉट सॉरी पॉन किंग। तो उन्होंने जो है राज कुंद्रा को पॉन किंग बोला अपने कमेंट में। तो गाइज आपका इस बारे में क्या सोचना है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइज अगली जो न्यूज है वो है बिग बॉस 17 के बारे में। तो इस बार बिग बॉस की जो थीम होने वाली है वो है कपल्स वर्सेस सिंगल की, जहां पे एक यूट्यूबर कपल जो है कंफर्म हो गया है, वो है अरमान मलिक और उनकी वाइफ पायल मलिक। तो आप अरमान मलिक को तो जानते ही होंगे, ये एक यूट्यूबर हैं जिनकी दो दो वाइफ्स हैं, कृतिका मलिक और पायल मलिक। तो ये पायल मलिक के साथ एंट्री लेने वाले हैं बिग बॉस 17 में। और एक यूट्यूबर और है जिसके बारे में काफी ज्यादा जो है रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, वो है यूके07 राइडर के भी काफी ज्यादा रूमर्स आ रहे हैं कि वो बिग बॉस 17 में हमको देखने को मिल सकते हैं। हाल ही में वो मुंबई एयरपोर्ट पे भी देखे गए थे, जहां पे उनसे पैप ने ये पूछा कि कोई बड़ा शो वगैरह तो नहीं आने वाला है आपका, तो इस पे उन्होंने क्या बोला है आप आगे वीडियो में देखो। धमाका करने आप बॉम्बे आए हो? फुल पावर भाई, धमाके धमाके हो रहे बस। बॉम्बे में कुछ धमाका करने आप आए हो? जल्दी जल्दी, उम्मीद तो यही है, फैंस वेट कर रहे हैं। हम लोगों ने मीटअप भी प्लान करे भाई, तो जल्दी हम लोग मीटअप भी प्लान करें बॉम्बे में आ रहे हैं। तो गाइज अगली जो न्यूज है वो है अंकित बयापुरिया के बारे में। तो जैसे कि आपको पता होगा कि अंकित बयापुरिया अभी नरेंद्र मोदी जी से मिले थे, जहां पे उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को प्रमोट किया। तो इस पे जो है उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि वो कैसे पीएम से मिले और पीएम से मिलने के बाद उनका पूरा क्या एक्सपीरियंस था। उन्होंने ये चीज शेयर करी लव कटारिया के व्लॉग में। इस बारे में उन्होंने क्या बोला है आप आगे वीडियो में देखो। बढ़िया था, एक नंबर का मजेदार है। हां बढ़िया की थी, इधर से इधर से। ओके गया उसने डाउन टू अर्थ। हाँ मतलब लोग नॉर्मल बंदा आया था। और सिक्योरिटी उनकी? सिक्योरिटी तो भाई पूरी हो गई है एसपीजी। हाँ।